अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें आप, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, शाहरुख खान, मैं उनके सामने खड़ी हूँ और ये सब मेरी आंखों के आगे हो रहा है। और आप देख सकते हैं बुर्ज खलीफा पर आज जो है ट्रेलर होने वाला है पठान का, और सबके सब बहुत एक्साइटेड है। और आप ये सोचें कि मूवी अभी रिलीज हुई नहीं है और इतना तूफान मच गया है, और जब रिलीज हो जाएगी तब क्या होगा। अब चाहे मूवी हिट हो या फ्लॉप हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमारा नाम, हम इंडियंस का नाम अब्रॉड में, दुबई में, यूएई में एकदम ऊपर आ गया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी मैं बता दूं, ये दुबई की, यूएई न्यूज़ की, गल्फ न्यूज़ की ये सबसे बड़ी हेडलाइंस है। और आप देख सकते हैं बहुत ही डाउन टू अर्थ है, मैंने पहली बार इतनी पास से देखा है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और मुझे तो हंसी भी आने लगी कि इनको भी रिंग लाइट की ज़रूरत पड़ गई। हमको लगा था हम ही को पड़ती है, लेकिन नहीं, एक्टर्स को भी पड़ती है। तो ये भी बहुत एक्साइटेड थे, एंड सीरियसली बहुत खुशी हो रही थी मुझे देखकर, लोग कितने खुश थे। और बल्कि इंडियंस ही नहीं मौजूद थे, बल्कि अलग अलग कंट्रीज से लोग भी वहाँ पर थे, और सब बस चिल्ला रहे हैं, बस सबके सब चिल्ला रहे हैं। ये देखें, सीरियसली बहुत ही डाउन टू अर्थ है, और मैं भी नीचे ऐसे ही जंप कर रही हूँ, बस माय गॉड, वाज वेरी एक्साइटेड। और आप ये देखें, यहाँ पर अभी ये बोलने लगे हैं, हम भी देख रहे हैं, बस सबकी नज़र बस अब बुर्ज खलीफा पर है, बस मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। इतने इतने विवादों में ये मूवी रही है शुरू रिलीज होने से पहले, कि अब सबकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, हम इंडियंस का नाम रोशन हो रहा है दूसरे दूसरे मुल्कों में। तो मैं कहूँगी कि आप अपनी खुद इंडिया में ही ये है, और इतने विवादें सिर्फ इंडिया में ही हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों। तो हमें अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। चलें देखें, अब मैं तो बहुत ही खुश हूँ, एकदम ऐसे लग रहा है कि मेरे बस मैं ख्वाब देख रही हूँ और कुछ नहीं। चलिए बस इतना ही कहना था, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, गुड लक पठान।